चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में आए नतीजों में भाजपा ने 3 में एक तरफा जीत हासिल की है। तेलंगाना में पार्टी भले ही दहाई के नीचे रही हो, लेकिन वहां भाजपा उम्मीदवार ने सीएम केसीआर को मात देकर सबको चौंका दिया है। भाजपा की जीत को धार देने में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार की इस बार अहम भूमिका रही है। विकास की योजनाओं के साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों को मुखरता से रखना भाजपा को रास आया है। योगी ने जहां चुनावी सभाएं की हैं, उनमें लगभग 50% सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक योगी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल रहे हैं। यूपी में बैठकों, दौरों और बड़े आयोजनों के बीच उन्होंने चुनावी राज्यों में संगठन के निर्देश पर प्रचार की जिम्मेदारी भी संभाली थी। भाजपा नेतृत्व ने कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भी चुनावी एजेंडे में शामिल रखा था। वहीं राजस्थान में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मसले पर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही थी। इन मुद्दों को प्रभावी बनाने की पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ही योगी ने अपने भाषण को इनके आसपास ही केंद्रित रखा। यूपी के सीएम के तौर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण के साथ ही योगी के बुलडोजर की चर्चा इन चुनावी राज्यों में भी खूब रही है। योगी ने 4 राज्यों में 57 रैलियों में 90 से अधिक प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। इनमें 43 से अधिक सीटों पर भाजपा को सफलता मिली है। योगी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें 22 सीटों पर भाजपा ने फतेह हासिल की है। राजस्थान में भी भाजपा की जीत वाली 15 से ज्यादा सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की झोटवाड़ा सीट भी शामिल है। तिजारा से महंत बालकनाथ को भी जीत मिली है, जिनके नामांकन में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीती पूर्व सीएम रमन सिंह के राजनंदगांव सहित 4 सीटों पर भी योगी ने कड़ी मेहनत की थी। इनमें साझा सीट भी है, जहां से ईश्वर स्वाहू भाजपा के उम्मीदवार थे। इनके बेटे मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे। तेलंगाना में सीरपुर सीट से योगी ने प्रचार की शुरुआत की थी। इसके सहित टी राजा सिंह के घोषा महाल सीट पर भी भाजपा को बड़ी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सीएम योगी का जादू बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए योगी को भाजपा ने पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर रखा है। पीएम मोदी के बाद भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम योगी आदित्यनाथ ही का नाम आता है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी भाजपा इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे को पूरे देश में लेकर घूमने वाली है। फिलहाल रणनीतिकारों का मानना है कि राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी है, जिसे लोकसभा चुनाव में वोटों में बदलने की भाजपा ही कोशिश आगे भी जारी रहेगी।